एक अलग सी खुशबू सी है जो गुलमर्ग और कुफरी के अंदर आती है। ये मेरी रिसीट है, इसके अंदर 3000 मैंने निकाले हैं, कोई भी इसके अंदर कमीशन ट्रांजेक्शन फीस कुछ भी नहीं है। और लड़कियां हैं, लड़के फिर भी कम दिख रहे हैं। ताला ही मेड इन चाइना, तो प्यार तो क्या ही चलेगा इस ताले का भाई। ये देखो, किसी बहन को ताला नहीं मिला तो उसने अपना ये जो रबर बैंड होता है बाल बांधने वाला, वही बांध के चली गई। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे। डे नंबर 2 किराना के अंदर अल्बेनिया की कैपिटल। अभी फिलहाल मैं अपने एयरबीएनबी में जस्ट नहा कर आया हूँ। आप आसमान को देख के बता नहीं पाएंगे, लेकिन अभी 1:30 बजा हुआ है और 24 डिग्री टेम्परेचर है आज की। तो फटाफट अभी रेडी होते हैं और आज हम चलेंगे दाहिती बोलते हैं उसको, दाहिती माउंटेन। भाई निकल गया एकदम। मैंने हालांकि ब्रेकफास्ट तो कर लिया था अपने, मैं प्रोटीन और ओट्स लेके चलता हूँ साथ में, ओट्स और म्यूसली मैंने मिक्स कर रखी हैं, तो बॉटल में डाल के मिक्स कर लिया, उसको पी लिया, पानी के साथ ही पिया, क्योंकि मैं कल रात को दूध खरीदने वाला था। मैंने अपनी होस्ट से पूछा कि फ्रिज है घर में, तो बोली ख़राब हो रखा है, ठीक करने के लिए भेजा हुआ है, तो भाई पानी में पीना पड़ा, लेकिन ठीक है। अभी कुछ खाऊंगा फटाफट, लंच टाइप का करेंगे और फिर सीधा बस पकड़ के चलते हैं पहाड़। और यहाँ पर सिर्फ एक झंडा है मेरे को ये दिखाया घर के ऊपर, हालांकि टर्की की तरह लोगों ने इतने भयंकर झंडे ही लगा रखे। टर्की में तो हर जगह झंडे हैं, बाहर जाओगे तो, अंदर जाओगे घरों में तो। उसी रेस्टोरेंट में आके बैठ गया लंच करने के, इसमें कल रात को मैं आया था, और क्या ज़बरदस्त खाना आया है। देखो ये हाफ चिकन विद राइस और पोटैटोज़ आए हैं और साथ में सैलड आई है, देखने में तो लजीज लग रहा है, खा के देखते हैं हम। पर कितने का मेरे को पता नहीं, मैंने बस मंगा लिया, बिल आएगा जब देखते हैं। ये बिल आया और ऐसे रख के चले जाते हैं पहले ही। अब मैं आप, ये ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है, तो ये 90 का इसने जो ब्रेड लगाई है मैंने वहाँ छेड़ी भी नहीं है, तो उससे पूछता हूँ भाई, मैंने मंगाई नहीं थी। हालांकि आया 690 का, 700 लेके का बिल, ये बनते हैं 70 करोड़, बहुत ही सस्ता है भाई। 550 रुपये के अंदर आपको इतनी बढ़िया सैलड, इतनी बढ़िया मील और ब्रेड जो मैंने खाई नहीं, हालांकि वो ब्रेड के भी 3-4 पीस हैं, तो 550 रुपये में तो भाई कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का खाना, बहुत सस्ता है। खा पी लिया है मैंने, और यहाँ पे यूरो ना बड़े आराम से ले लेते हैं, चाहे आप मिक्स करके दो, आधे लेके दे दो आधे यूरो दे दो। मैंने 1 यूरो का सिक्का था वो दे दिया, और इसने अभी 120 के उससे काउंट किया। भाई मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इससे बढ़िया, इससे हॉस्पिटेबल और इससे सस्ती यूरोपियन कंट्री मैंने आज तक नहीं घूमी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर पहली बार यूरोप आ रहे हो तो यहाँ आना, ताकि बाद में आना और ईजी हो जाए। लगभग हर रेस्टोरेंट के बाहर सीटिंग बन गई, और उसके बाहर ना एस्ट्रे रखी होती हैं हर टेबल पे, कि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सिगरेट उनकी खुद की होती है, सिगरेट कल्चर काफ़ी है यहाँ पे। एक छोटी सी कॉफ़ी मंगा लेते हैं और एक पानी की बॉटल, बैठ जाते हैं, तो बड़ा कॉमन है। मैं खाना खा रहा था तो खाने के लिए मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग आए होंगे टेबल पर, बाकी 7-8 टेबलें सिर्फ इसी चीज़ के लिए आई। ये चीज़ यहाँ नहीं देखने को मिली है कि ये कल्चर सही है, लोग बैठ जाते हैं अपना सिगरेट पी, एक कॉफ़ी पी और अपने वापस निकल के जहाँ भी जा रहे हैं। ये है भाई वो पहाड़ जाई थी। भाई बस में आ गया हूँ, पसीने आ गए हैं, और मेरे को यहाँ का सुनियर भी मिल गया अपना, ये टिकट मिल गई है 40 लेके की टिकट है। बन गए कुछ वर्ड तो अपने जैसे लिखा हुआ है, धुआं नहीं मतलब धुआं नहीं, और ये डालिए मतलब एग्जैक्ट डालिए, कहाँ डालिए पता नहीं। भाई उतर गए, एक बस चेंज की थी, उस 3 स्टॉप के बाद उसने उतार दिया, फ्री थी शायद, वही टिकट का सिस्टम है, टिकट अब खरीद लोगे तो एक कंडक्टर बिठा के आ गए दूसरी बस के अंदर, और यहाँ से बताया राइट जाना है इस तरफ से अपने को। पहाड़ी तो एरिया मतलब शुरू हो गया है, ऊपर नीचे है, देखते कितना पैदल चलना पड़ेगा। और अभी बज गए हैं 3:30, अब मेरे को पता नहीं बंद कितने बजे होते हैं। 5-1 मिनट की चढ़ाई के बाद आ गए हैं ये दाहिती एक्सप्रेस टर्मिनल है, यहाँ से लेनी है अपने को केबल कार। भाई ये टिकट के प्राइस है, इससे पहले कहा 1200 लेके यानी 12 यूरो, अडल्ट की फैमिली के साथ ये सब आप देख लो, और कार्ड से पे कर सकते हैं, मैं कार्ड से पे करूँगा कि ना मेरे पास यूरो बचे हैं, 10 यूरो बचे हैं सिर्फ, और लेके तो है ही नहीं अपने पास। 1 टिकट दिस फ्लोर कमिंग बैक ऑल्सो, सो रिटर्न टिकट है भाई, जाने आने की 1200, ठीक है 600, तेल निकल गया लेकिन मेरा ना पसीने आ रहे हैं भयंकर। स्टैंड अप देयर एंड वेट, ओके थैंक यू सो मच। मैंने कि लास्ट इसने बताया केबल आएगी 6 बजे, अभी लगभग 4:15 हो गए हैं, तो 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे अपने पास, 2 घंटे हैं, अपन लास्ट वाली लेनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में। ओके थैंक यू। भाई कह रहा है कि 5:30 बजे लास्ट आएगी, 6 बजे तो बंद हो जाएगा। ये बैठ गया अपन इसके अंदर, कोई और ना आए यार, बढ़िया प्राइवेट मिल जाएगा, मज़े हो जाएंगे, लगे ना कोई और आएगा।
लग नहीं रहा। चलो 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 भाई, अकेले जाना है प्राइवेट गंडोले में भाई। ओहो नजारे ये देखो, पूरा ग्रीन दिख रहा है भाई साहब, सब कुछ ग्रीन। और ये देखो कहीं चले जाओ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रंग बदल जाता है इंसानों का, देश बदल जाता है, लेकिन चूतियापंती सेम रहती है। हर जगह आपको अनपढ़ लोग मिलेंगे, यहाँ पर भी हैं भाई। ये सब भी लिख रखा है इन्होंने, देखो आपको दिख रहा होगा तो अगर स्क्रैच मार मार के। मेरे ख्याल से यूरोप की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार राइड्स में से एक है। 15 मिनट केबल कार के अंदर बहुत होते हैं। सिर्फ कितने रुपए लगे अपने, 600 रुपए आने के, 600 जाने, 1200 लगा लेने, 1200 हो गए आपके 900 रुपए इंडियन। क्या होते हैं 900 रुपए, 900 रुपए में कोने से पहाड़ों में गंडोले में बिठाता है आपको। यही चीज़ आप स्विट्जरलैंड में करोगे ना, आपके 1200 की जगह 900 रुपए की जगह 9-10 हज़ार रुपए ठुक जाएंगे आराम से। खेल के मैंने शॉट लिया भाई, अगर नीचे फोन गिर जाता ना तो। एक चीज मेरे को सही नहीं लगी हुई है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है ना अंदर, ये सारी इनकी अल्बेनियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। हालांकि इनको पता होगा कि 90% ये केबल कार सिर्फ टूरिस्ट यूज करते होंगे जो कि लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते होंगे, तो इंग्लिश में लिखना चाहिए था ना इनको। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या लिखा है, हालांकि लिखा हुआ कैमरा भी है, मेरे को तो दिखाने में कैमरा के लिए स्की डाल सकते। बर्फ पता नहीं पड़ती होगी, नहीं पड़ती होगी यहाँ पे इतनी स्की कर सकूँ। सही 15 मिनट की है, 15-17 मिनट की, जो कि बहुत लंबी लगती है। और काफ़ी सही सीनिक नज़ारे हैं, हरा एकदम जंगल है। बाहर निकल गया एकदम बढ़िया हवा चल रही है, और जैसे ही ये एंटर किया ना एक अलग सी खुशबू सी आई जो गुलमर्ग और कुफरी के अंदर आती है, इन घोड़ों और खच्चरों की लीद की। अलग ये खच्चर नहीं है ये, वो तो घोड़ा लग रहा है, ये शायद खच्चर लग रहा है छोटी हाइट का। और इस तरीके से शूटिंग गेम्स हैं, आप ये खरीद खेल सकते हो, गुब्बारे फोड़ सकते हो। और ऊपर दिख रहा है पहाड़ में मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट वो होगा मेरे ख्याल से, वो अपने को हाइक करने का भी अभी क्या कभी भी मन नहीं है। ये ATVs भी राइड कर सकते हो, हालांकि अभी अपन लेट आ गए क्योंकि मैं मैप में देख रहा हूँ यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी है और कासल वासल भी बने हुए हैं, लेकिन वो चल के जाना पड़ेगा। शायद आधा घंटा जाने का लग जाएगा, आधा घंटा आने का, उसी में टाइम निकल जाएगा अपना। टॉप का व्यू यहाँ से, और ये 0.5 में दिखा रहा हूँ आपको, ये करता हूँ 1 के ऊपर, ये शहर दिख रहा होगा, ये करता हूँ आपको 2x पे। कहीं वहाँ से पता नहीं वहाँ से आए हम, वहाँ से ये पूरा शहर दिख रहा है, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। ये सारा फ्री का आइटम है, आप अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हो, सेल्फी ले सकते हो। और इस तरफ ये फ़ोटो बूथ भी है, इस पर शायद 10-100 लेके यहाँ कैमरा लगा हुआ है बढ़िया, यहाँ से फ़ोटो खींचेगी आपकी और साथ के साथ प्रिंट होके आ जाएगी। 100 यानी 80 रुपये में आपको फ़ोटो प्रिंट होके मिल रही है, और क्या चाहिए भाई आपको, और इससे सस्ता क्या लोगे। अभी यूरोप के अंदर आपको 80 रुपये में फ़ोटो मिल रही है प्रिंट होके। ये वॉकिंग एरिया काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, इस तरफ पहाड़ के नीचे आपको व्यू दिख रहा है और ये पर से पत्ते चल रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहा है वाला। मिनी गोल्फ भी है जो मैंने नॉर्वे में खेला था ना, जो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मिनी गोल्फ था, यहाँ पर भी है छोटा सा, हालांकि मिनी गोल्फ था छोटा ही होगा, लेकिन वो अगर आपने नहीं देखी है मेरी वाली वीडियो तो जाके देखो, बहुत सही मिनी गोल्फ था। तो ये है भाई कपल हार्ट, अच्छा यहाँ ताले बांध सकते हो अपने आप, ये देखो मेड इन चाइना, ताला ही मेड इन चाइना, तो प्यार तो क्या ही चलेगा इस ताले का भाई। देखते हैं कुछ दिखता तो इंडिया से, अच्छा सब प्रिंट करा के लाए हुए हैं, देखो जैसे लिखा हुआ किसी ने भाई पेन से ही लिख दिया है। ये देखो किसी बहन को ताला नहीं मिला तो उसने अपना ये जो रबर बैंड होता है बाल बांधने वाला वही बांध के चली गई है, कोई इज्जत ही नहीं है यार। बताओ क्या प्यार चलेगा तुम्हारा, ताला नहीं खरीद पा रहा, हमारे तैयार हो आराम से यहीं कपल हार्ट के सामने यहाँ बैठ के बेंच पे बढ़िया बियर पीता हूँ मैं अब। सिंगल लौंडे जिंदाबाद, चिप्स चटका रहे हैं, हालांकि बियर थोड़ी गर्म है, ठंडी नहीं है, लेकिन अभी ठीक है, मज़े आ रहे हैं, हवा एक नंबर की चल रही है, मतलब जो मौसम है ना यहाँ परफेक्ट है। और इस मोर की आवाज़ सुनते मेरे को ना अपने गांव की याद आ गई, मैं अपने मामा के जाता था वहाँ पर, तो सुबह सुबह मोर की आवाज़ सुनती थी,
तो मैंने दिल्ली में तो खैर अलग ही नहीं सुनी है, गांव साइड में जो दिल्ली के जो गांव है वहां होती होगी, लेकिन जहां मैं रहता हूं वहां तो मैंने कभी सुनी नहीं। काफ़ी सही लगा मेरे को, ये वर्थ इट है। अगर आप आ रहे हो ना थिराना तो ये दाइती पहाड़ पर ज़रूर आना भाई, सस्ता है बहुत और बड़ा पीस है यहाँ पर ना, मतलब शांति है बहुत, मज़े आ रहे हैं। इस तरफ देखो, इस तरफ कौन है भाई, देख रहे हैं अंदर दो अंडे भी रखे हुए हैं। चलो भाई एग्जैक्ट 6:02 हो गए हैं। तो हम आपको बता था लड़की हुई, कल मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में बोला था टिंडर पे 2 मैच मिले हैं, एक मैच मिला मेरे को। यहाँ पे ना ज़्यादातर लड़कियों ने प्रोफाइल पिक्चर लगाई नहीं हुई है, मतलब मुँह छुपा रखा है उसके अंदर, या ब्लैक लगाई हुई है, हालांकि प्रोफाइल वेरीफाइड है वो, तो शायद वो दिखाना नहीं चाहती होंगी किसी को, लेकिन ज़्यादातर वो ना मतलब पैसे लेती हैं। तो जैसे ही मैच हुआ, जैसे ही उसने मैसेज किया सीधा कि आई वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, और सीधा उसने बोला कि 50 यूरो। मतलब अच्छा, तो मैं सोचा चलो पूछता हूँ इससे क्या सीन क्या है। तो बोले 50 यूरो लगेंगे और 1 घंटे के लिए मैं आऊँगी, और लड़के के घर पर आती हूँ मैं, अपने घर पर नहीं, और दिन में आऊँगी, दिन में मैं फ्री हूँ, और मैं पहले पैसे देखूँगी घर पर आके, पहले कैश देखूँगी जस्ट फॉर माई सेफ्टी, फिर ऐसे ऐसे। मैं चलो भाई ठीक है वो, हालांकि तो मेरे को तो ऑब्वियसली मना ही करना था, मेरे को तो सिर्फ मिलना था कि चलो मैं उस हिसाब से सिटी घूम पाऊँ, जैसे मैंने क्यूबा वगैरह में किया था, तो मैं तो इस पर्पज़ से बुला रहा था। मैंने बोला नहीं भाई ये सब नहीं, तो फिर मेरे को आइडिया लग गया कि यही है 50 यूरो 1 घंटे का आप नेगोशिएट कर लो, तो मतलब पैसे कम नहीं करेंगे चाहे घंटे बढ़ा दें वो, तो ये सीन है भाई। अभी कल मैं जाऊँगा सरांडा, वो प्रॉपर बीच डेस्टिनेशन है और वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट होते हैं फॉरेन के भी, तो वहाँ जाके देखते हैं लड़कियाँ हैं, लड़के फिर भी कम दिख रहे हैं। लगता है लड़के सारे के सारे बाहर यूरोप के महंगे देशों में काम करने चले गए हैं। मिला टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है सेंड न्यूज, मैं भी ऑर्डर, आई आल्सो ऑर्डर द सेम। दिख रहा है क्रेडिट्स बैंक करके, ये इस सेंटर के अंदर इसका ATM लगा हुआ है। अगर आपको पैसे निकालने, पहली बात अगर अपने कार्ड से पेमेंट करते हो, तो मैंने अपनी जो टिकट की पेमेंट की थी इसकी केबल कार की, वो 1200 लेके पड़ती थी, तो मेरे अकाउंट से जो कटे हैं वो 8.7 हिसाब से क्रोन कटे हैं, यानी 1 क्रोन के अंदर मेरे को 8.7 लेके मिले हैं। अब मैंने 3,000 लेके यहाँ से निकलवाए हैं, तो इसका भी एग्जैक्ट 8.7 रेट लगा है। तो कार्ड से पे करो चाहे यहाँ से निकाल लो, एक ही बात है। दूसरी बात, इस बैंक से निकालने पे 0 कमीशन पड़ा हुआ है। ये देखो ये मेरी रिसीट है, इसके अंदर 3,000 मैंने निकाले हैं, कोई भी इसके अंदर कमीशन ट्रांजेक्शन फीस कुछ भी नहीं है, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज बात है, मतलब स्ट्रेंज है लेकिन अच्छी चीज़ है अपने लिए, एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। और इस तरीके के कुछ इनके नोट हैं, ये 2,000 का नोट है जो अपने इंडिया में अब चलना बंद हो गया है, और ये इनका 1,000 का नोट है पीछे से ऐसा दिखता है, और ये जो लिखा है ना बैंक ए स्पिरेसी, ये अल्बेनिया का दूसरा नाम है, ये अल्बेनिया, ये मतलब एक जैसे स्पिरेसी और अल्बेनिया एक ही चीज़ है। और अगर आपके पैसे ख़त्म हो जाएं और यहाँ आपको कार्ड में ना हो, तो एक आपको और जुगाड़ लाता हूँ, सेंटर के अंदर ये 1 डॉलर रखा हुआ है भाई, इससे काम चला लेना अपना। अभी एक रेस्टोरेंट में आके बैठ, मैंने कार्लसबर्ग मंगाई है और साथ में स्प्रिंग रोल मंगाए हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है, जो आप मेन्यू में प्राइस देखोगे ना वही फाइनल प्राइस है, कोई भी उसके ऊपर टैक्स वगैरह सर्विस चार्ज ऐड नहीं होगा, जो मेन्यू में प्राइस लिखा हुआ है वही आपका बिल के अंदर आएगा, मेन्यू में प्राइस लिखा होगा उसी को ऐड कर दो। तो 380 की बियर थी अपनी, और 400 के स्प्रिंग रोल थे, 780 के जो कि स्प्रिंग रोल बेकार थे बिल्कुल। वहाँ पे के निकल गया हूँ भाई, एक पोलिश लड़की मिल गई थी मेरे को जब मैं जा रहा था बस में वहाँ पे पहाड़ पे, तो उसी बस में बैठी हुई थी, तो उस टाइम बात कर रही थी, तभी तुक्के से जिस रेस्टोरेंट में मैं था वहीं पर वो बैठी हुई थी, उसने मेरे को देखा है कि मैं चल यहीं मेरे टेबल पर आ जा। फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहीं तक, कल मैं जाऊँ एक नए शहर सरांडा, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।